फिर करें शुरू। आज घूमते हैं चंडीगढ़। सो ये है चंडीगढ़ की सड़कें, खूब खुली हैं विद वेरी लेस ट्रैफिक एंड वेयर एग्जैक्टली वी आर गोइंग राइट नाउ। पहले तो कुछ खाते हैं, भूख लगी है जोर से। सफर कैसा है ये सफर, ये ऊपर कैमरा देख रहे हैं आप, पूरे चंडीगढ़ में ऐसे इंस्टॉल हो चुके हैं हर एक राउंड अबाउट के ऊपर। कोई भी ओवर स्पीडिंग कर रहा होगा, कुछ भी होगा, तो उसका चालान सीधा घर पे आता है। कैसा है ये सफर, ये एक और फ्लाइट पॉइंट आया है यहाँ पे, सेक्टर 22 का अरोमा लाइट पॉइंट है ये रहा इधर सामने अरोमा होटल। और यहाँ पे आप देखोगे तो कैमरे लगे हुए हैं, तो चंडीगढ़ अगर कोई भी आए बाहर से तो ये जरूर ध्यान रखे कि स्पीड लिमिट 60 की है और ट्रैफिक लाइट्स पे जरूर रुके अगर रेड लाइट्स होती है तो। तो अभी हम चल रहे हैं सेक्टर 17, वहाँ पे जाएंगे इंडियन कॉफी हाउस, कुछ खाते हैं हल्का फुल्का, उसके बाद आपको दिखाएंगे 17 और शुक्र लेक। सामने जो भैया खड़े हैं ये भी हमसे पार्किंग के चार्जेस लेंगे। यहाँ पे चंडीगढ़ में आपको कहीं पे फ्री पार्किंग नहीं मिलेगी, जहाँ पे भी आप पार्क करना चाहो किसी भी मार्केट में वहाँ पे आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अब देखते हैं कितने लेते हैं, पहले तो 12 रुपए थे, अभी इंक्रीज करे कि नहीं करे। अभी भी 12 रुपए ही हैं पार्किंग के। अब सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ पार्किंग ढूंढना, बिकॉज सैटरडे को कुछ ना कुछ एक्टिविटीज यहाँ पे होती रहती हैं। जैसा सोचा था वैसी पार्किंग मिली नहीं है, दोबारा से चक्कर लगा के दूसरी साइड चलते हैं, वहां देखते हैं पार्किंग है कि नहीं है। फाइनली पार्किंग मिली, पूरा एक राउंड लगाने के बाद दोबारा दूसरे राउंड लगा के आए। मास्क कहाँ पे? मेरे पास नहीं। पास? मास्क है सबसे पहली प्रायोरिटी यहाँ पे, एक तो अपनी सेफ्टी और दूसरे अपने जेब की सेफ्टी। अगर बिना मास्क के यहाँ पे कोई पकड़ ले सीधा है 500 रुपए का चालान। 1000 करती है फिर तो बचाना जरूरी है। चलो चले आओ। तो ये है सेक्टर 17 की मार्केट, समर्स के टाइम पे अगर आप देखोगे तो इतनी भीड़ यहाँ कभी नहीं मिलेगी, तो सारा का सारा जो क्राउड है वो चला जाता है एलांटे मॉल। और विंटर्स के टाइम पे लोग यहाँ पे आराम से आते हैं, धूप सेकते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है वो यहाँ पे आके बैठ जाते हैं लंच टाइम में। ये यहाँ का प्लाजा एरिया है, सैटरडे नाइट्स को यहाँ पे कोई ना कोई प्रोग्राम होता रहता है, तो कोविड की वजह से अभी आई थिंक रिस्ट्रिक्ट कर रखा है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने। हमको जाना है वहाँ पे इंडियन कॉफ़ी हाउस। ये है चंडीगढ़ का वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिनेमा थिएटर नीलम। अब तो फिलहाल यहाँ पे कोई मूवीज लगती नहीं है, बट स्टिल ये यहाँ पे है अभी। पहले चंडीगढ़ में काफ़ी लिमिटेड लोग आ गए, हम इंडियन कॉफ़ी हाउस। ये चंडीगढ़ का काफ़ी पुराना रेस्टोरेंट है, अभी आई थिंक
अंदर फुल लाइफ में वेट करना पड़ रहा है। लेट्स सी कितना टाइम लगता है इधर। तो हमने ऑर्डर किया है अपना पनीर बटर मसाला डोसा और ये केचप आ गई है। तो डोसा हमने खा लिया, अब आई हमारी कॉफ़ी। चंडीगढ़ के और दिल्ली के इंडियन कॉफ़ी हाउस में एक डिफरेंस है कि यहाँ कॉफ़ी में पानी देते हैं, वहाँ पे सिर्फ दूध देते हैं। थोड़ा मीठा तेज ही पीता हूँ मैं चाय कॉफ़ी में। तो आपको थोड़ा सा इंटीरियर दिखा दूं, यहाँ का एकदम विंटेज लुक है यहाँ पे। तो खा लिया है हमने अपना डोसा और कॉफ़ी पी ली है। ये रहा इंडियन कॉफ़ी हाउस बैक साइड पे। मास्क ऊपर कर लेते हैं इससे पहले कोई पकड़ ले अपने को। अगर आप में से कोई इंडियन कॉफ़ी हाउस आना यहाँ पे आना चाहता है और थोड़ी सी विंटेज फीलिंग लेना चाहता है यहाँ पे आके, तो आप आ सकते हैं नीलम थिएटर वाली लाइन में ही। जस्ट थोड़ा सा आगे की तरफ आप जाओगे तो आपको इंडियन कॉफ़ी हाउस मिल जाएगा। नीलम थिएटर को छोटी सी मार्केट में कन्वर्ट कर दिया है अभी यहाँ पे। ये एंट्री हुआ करती थी यहाँ की, अब फिश पा भी यहाँ पे मिल जाएगा अगर कोई इंटरेस्टेड है लेना चाहे तो। ये देख 50 का कॉमर्स कॉलेज। चंडीगढ़ की एक चीज़ और नोट करी यहाँ सेक्टर 17 में, नीलम थिएटर के सामने जस्ट चंडीगढ़ का पूरा मैप ड्रॉ किया यहाँ पे। ये आप देखेंगे तो सेक्टर 51, इसके साथ में लेजर वैली, चंडीगढ़ की बहुत फेमस जो बुड़ैल जेल है वो यहाँ पर है, उसके बाद सेक्टर 50, गवर्नमेंट कॉलेज। सेक्टर 50 में देखा जाए तो मेरा ससुराल है, और अगर आपको देखना है मेरा घर कहाँ पे है वो जस्ट सेक्टर 45 आगे। तो विद इन 2 किलोमीटर के एरिया में दोनों का ससुराल है एक दूसरे का हमारा। बाकी पूरा मैप है ये, तो फिलहाल तो ड्रोन नहीं है, नहीं तो आपको दिखाते हैं कि कैसा है। फिर भी कोशिश करेंगे अगर इसका व्यू मिलता है आपको गूगल पे, मैं आपको इसकी फ़ोटो दिखाऊंगा कैसे यहाँ पे पूरा मैप ड्रॉ किया है चंडीगढ़ का। तो अब चलते हैं सुखना लेक की तरफ। तो वो भी डलवा लेते हैं डीजल गाड़ी के अंदर, डीजल डलवाना भूल गया था तो गाड़ी ने दोबारा रिवाइंड कराया। चंडीगढ़ की एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है, यहाँ पे पार्किंग दिल्ली एनसीआर जैसा रेट नहीं है। वहाँ पे तो किसी पार्किंग में 100 रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं, किसी में 50 पे करने पड़ रहे हैं, तो किसी में पर आवर के बेसिस पे 100 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। यहाँ पे किसी भी पार्किंग में चले जाओगे तो आपके 12 रुपये लगेंगे। यहाँ से बाय वॉक जाना पड़ेगा। कैमल राइड भी है यहाँ पे, अगर रुद्रिका हमारे साथ आई होती तो इसने डेफिनेटली हमारी जिद करनी थी हमसे कि मेरे को कैमल पे बैठना है। फिलहाल
रुद्विका घर पे सो रही है और कोविड करके उसको ज़्यादा घर से निकाला भी नहीं हमने पिछले 10-12 दिनों से, तो स्पेशली जब से ये पॉजिटिव हुई थी। अभी थर्ड वेव में भी पॉजिटिव हो गई थी बट वैक्सीनेशन की डबल डोज थी तो इस करके ज़्यादा कुछ सीरियस दिक्कत हुई नहीं। तो बस जस्ट प्रिकॉशन रुद्विका को हमने अभी घर पे रखा हुआ है, थोड़े से सिचुएशन और बेटर होगी तब उसको घर से निकालेंगे। एक चीज़ आप नोट करोगे, यहाँ पे मेरे बैक साइड पे आप साइकिल देख रहे हो, ये स्मार्ट साइकिल्स हैं, स्मार्ट बाइक। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके पूरे चंडीगढ़ का राउंड ले सकते हो, हर एक सेक्टर में आपको ऐसे स्टैंड्स मिल जाएंगे और पर आवर चार्जेस आई थिंक इसके 10 रुपीज़ समथिंग है या 30 मिनट्स के 10 रुपीज़ ऐसा कुछ है। फ़िलहाल मैंने भी यूज़ किया नहीं है इसको अभी तक, बट अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। आ चुके हैं हम सुखना लेक की तरफ। कैसा है ये सफर, मंजिलों